सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फाइनली रेडमी के नोट 7 प्रो में MIUI 12.0.4.0 का अपडेट आ चुका है। यह दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेडमी के नोट 7 प्रो के बारे में, जिसमें दोस्तों एक नया अपडेट आया है जो कि दोस्तों 350 MB समथिंग का है। इस अपडेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये अपडेट कितने MB का है और इस अपडेट के बाद आपके फ़ोन में क्या क्या फीचर आने वाले हैं, मैं ये सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको जो अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और इस अपडेट के बाद आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। दोस्तों वैसे ये फ़ोन रेडमी नोट 7 प्रो काफ़ी पुराना है। इसके बाद दोस्तों रेडमी नोट 8 प्रो आया था, उसके बाद रेडमी का नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स भी आया था, बट ये अपडेट दोस्तों इन फ़ोन से पहले रेडमी नोट 7 प्रो में दिया गया है। तो दोस्तों इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों ये जो अपडेट है MIUI 12.0.4.0 का है और दोस्तों इसका जो साइज है वो 340 MB का है। दोस्तों इस अपडेट के बाद आपको इस अपडेट में आपका जो कैमरा है दोस्तों उसमें आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। एक दो ऐसे फीचर हैं दोस्तों जो आपको रेडमी नोट 7 प्रो उसके कैमरे में ऐड हो जाएंगे और आपके फ़ोन में जो पहले से कोई बक्स आ रहे हैं वो फिक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो साइज है वो 340 MB का है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 340 MB में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि जिन लोगों के पास रेडमी का नोट 9 प्रो है या फिर नोट 9 प्रो मैक्स है, जैसे कि दोस्तों मेरे पास है, इस फ़ोन में अभी तक ये अपडेट नहीं आया है, बट रेडमी का नोट 7 प्रो में ये अपडेट दे दिया गया है। तो जिन लोगों के पास रेडमी का नोट 7 प्रो है वो इस अपडेट को ज़रूर से अपडेट कर सकते हैं और नए नए फीचर का आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस अपडेट के बाद क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और इस अपडेट के बाद आपके फ़ोन में कोई बक्स या फिर आपका फ़ोन हैंग तो नहीं हो रहा है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे दोस्तों मुझे पता लग सके कि इस अपडेट के बाद आपके फ़ोन में कुछ अच्छे फीचर ऐड हुए हैं या फिर आपके फ़ोन में कोई फीचर ऐसे हैं जो जिससे फ़ोन आपका हैंग होने लगा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चल जाएगा होगा कि आपके फ़ोन में नया अपडेट आया है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा और ये अपडेट कितने MB का है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।